हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है, SSCPU 2019 का आपकी जो आंसर कीज़ है वो आ चुकी हैं और 6 तारीख तक आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और एक ऑब्जेक्शन के लिए आपको कोई भी एक ऑब्जेक्शन करेंगे तो वहां पर आपको पर 100 रुपीज़ जो है पेमेंट करना होगा और उसकी रिसीव रखनी होगी। देन क्योंकि 6 तारीख के बाद जो है उसको देखना बंद हो जाएगा, मतलब जो आंसर कीज़ है वो आप अभी डाउनलोड कर लीजिए। और सभी से मैं ये कहूँगा कि भाई इसमें हम कट ऑफ जो है देखने वाले हैं कि कितना कट ऑफ एक्चुअल में जा सकता है। देखिए फ्रेंड, बता दूँ मैं आपको ऑलरेडी, किसी भी जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, देखिए SSC जो है रेगुलर एग्ज़ाम कराते हैं, सारे एग्ज़ाम जो है रेगुलर होते हैं इनके, तो आपने देखा होगा। अगर आप देखें 2010 से, अगर आप चेक करें 2010 से जो है एग्ज़ाम देखें, तो जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका कट ऑफ कंटिन्यूसली बढ़ा ही है। ठीक है, हाँ, 21 साल कम हो जाता है पिछली साल से, क्योंकि उसका जो पेपर का लेवल होता है, ठीक है, पेपर का कभी कभी लेवल जो होता है वो पिछली बार से हाई आ जाता है या फिर क्वेश्चन थोड़े से हाई आते हैं। जैसे कि हमने देखा था अभी SSC CGL का, ठीक है, SSC CGL का जो एग्ज़ाम देखा था, Tier 2 जो आया था, ठीक है, 2018 का Tier 2 आया था। जो पहले क्या होता था, Tier 2 में एडवांस के क्वेश्चन आते थे, ठीक है, पहले क्या था, एडवांस्ड के क्वेश्चन पहले ज़्यादा आते थे। लेकिन Tier 2 में क्या हुआ SSC के, उसमें दिक्कत ये आ गई कि वहाँ पर एडवांस के क्वेश्चन ना देकर उसने अर्थमेटिक में टोटल परसेंटेज पर जो है उन्होंने जो है बेस कर दिया। इससे क्या हुआ, रिविज़न जो है उनका जो स्टूडेंट का नहीं हुआ, थोड़ा सा कट ऑफ कम गया, ठीक है, ओके, और कैलकुलेशन काफ़ी दे दी थी उसने। ऐसी इसी प्रकार अगर कैलकुलेशन या फिर कहें जो पेपर है जो है हार्ड बना दिया जाता है, या किसी भी अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है पेपर हार्ड बन जाता है। अगर पेपर देखिए, पेपर में एक सबसे मेन चीज़ का जो डिपेंड करती है कि पेपर का लेवल क्या था, ठीक है, लेवल क्या था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर पेपर का लेवल जो है ईजी था तो कट ऑफ जो है काफ़ी हाई जाएगा, ठीक है। और अगर कट ऑफ जो था कट ऑफ अगर ऐसा था कि भाई हार्ड था तो कट ऑफ क्या हुआ, कट ऑफ क्या जाएगा, कम जाएगा, ठीक है, कम जाएगा भाई, ज़्यादा लोगों के कम नंबर आएंगे तो कम ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है मैं चेंजेस भी करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत टाइम से जो SSC के लिए स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहे हैं, भाई जो भी स्टूडेंट ज़्यादा तैयारी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनका ऐसा होगा, अगर उनको आप 100 नंबर क्वेश्चन दे पेपर दोगे तो वो आप अप्रॉक्स, देखिए 200 नंबर क्वेश्चन था लेकिन मैं 100 मानता हूँ, वो अगर तैयारी कर रहा है तो 90 या 85 नंबर वो लेके आने की सोचेगा, ठीक है, ओके। अगर कोई बंदा 2 साल से तैयारी कर रहा है तो 85 तो ले ही आएगा, लेकिन आउट ऑफ 100 में से 90 तो उसके प्लस में आना चाहिए, वो इसे सोचेगा, ठीक है, प्लस में आना चाहिए। तो इसी प्रकार जो है कट ऑफ हमेशा बढ़ते जाता है, इतना एक्सपीरियंस के साथ साथ कट ऑफ बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ पिछले साल का जो कट ऑफ था, अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, साफ साफ आपको दिख जाएगा भाई, 200 में से क्वेश्चन नंबर 200 में से देख सकते हैं यहाँ पर कितना कट ऑफ, यहाँ पर देखिए देख सकते हैं आप, अनरिजर्व कैटेगरी का 140.8 कुछ गया था, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन इतना ही गया था, ओके। OBC की बात करें तो 133 के समथिंग गया था, ये काफ़ी हद तक आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना कट ऑफ गया था तो इस बार थोड़ा सा हाई जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा जो है इतना बैरी नहीं करता, थोड़ा बहुत हो सकता है ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा बहुत कम हो जाए, ठीक है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन यही रहेगा कि आपका इतना जो है नंबर आना चाहिए पिछले साल के लगभग लगभग आना चाहिए, ठीक है। अगर SC की बात करें 114.31 गया था, ST की बात करें 111.17 गया था। ये मेल कैंडिडेट की जो है लिस्ट थी जो कि हमने ओवरऑल कट ऑफ देखी थी SSCPO के लिए, ठीक है। अगर हम फीमेल की कैटेगरी की बात करें, फीमेल कैटेगरी का अनरिजर्व कैटेगरी का 137.6 गया था, OBC का 127.5 गया था, SC का 110.31 गया था और ST का 99.5 गया था। ये जो है कट ऑफ गया था उस टाइम, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा कट ऑफ में चेंजेस आएंगे मेल फीमेल कैटेगरी में, बस इतना ही देखिए बता दूं मैं आपको, थोड़ा सा हम जो है हाई कट ऑफ रख कर चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि 100% हमारा जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड या अजम्पशन है जो सही हो, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 80-90 जो है हो सकता है यही हो, ठीक है, 100% नहीं बोल सकते कि यही हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए जो जनरल कैटेगरी का जा सकता है वो 138 से 143 तक जा सकता है, फीमेल कैटेगरी का जो जा सकता है वो 135 से 140 के अराउंड जा सकता है, OBC की बात करें तो 132 से 137 जो है हो सकता है इसका मेल कैटेगरी का, फीमेल कैटेगरी की बात करें 130 से लेकर 135 तक यहाँ पर मार्क्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज की बात नहीं हुई यहाँ पर सिर्फ मार्क्स की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है,
मार्क्स में कितने मार्क्स आएंगे 200 में से, ठीक है। ये नहीं है कि भाई परसेंटेज कितनी होगी, वो परसेंटेज नहीं आती है, ठीक है। एससी की बात करें तो 112 से लेकर 117 तक जा सकता है पिछली बार के लगभग लगभग अराउंड के टाइम, ठीक है। फीमेल कैटेगरी 110 से लेकर 115 तक हो सकता है, और एसटी कैटेगरी में जगह है तो 105 से लेकर 110, ठीक है। मेल कैटेगरी और फीमेल 100 से लेकर 105 तक यहाँ पर हो सकता है। ये जो है एक्सपेक्टेड है, इतना अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इतने नंबर फ्रेंड्स काफ़ी हैं आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपके इनमें से दो नंबर या डेढ़ नंबर भी कमाते हैं तो अभी आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि हाँ आपका एग्ज़ाम निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर 5 क्वेश्चन कम आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जो है सोचना पड़ेगा, क्योंकि 5 कम नंबर आ रहे हैं। तो ये जो कट ऑफ है वो प्रीवियस ईयर के ही अकॉर्डिंग है, और प्लस आपकी कमेंट्स पे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो डाली है, उस पर आपने बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट्स किए हैं और काफ़ी लोगों के सजेशन से यहाँ पर ये है कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल रहा है। और फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन फ्री स्टडी पर आकर देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस। देखिए एक वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो वीडियो है वो है भारत में पहली बार कोई चीज़ हुई है वो उस चीज़ को मैं बताया, मिस यूनिवर्स जो है 2019 का खिताब किसने था, तो इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो ये आपको क्वेश्चन को आंसर देना है, ठीक है। ओके इसी प्रकार यहाँ पर मैंने क्वेश्चन है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन किसे दिया गया ये भी मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। ये दिया गया ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जो 2019 से सम्मानित किसे किया गया, ऑप्शन में आपको कमेंट कर देना है। और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे ही पूछे हैं जो आईफा जो है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव जो है आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर देना है, कमेंट करना है। तो 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ओके 2029 का ब्यास सम्मान, देखिए 29 का ये दिया गया, ठीक है, 29वां दिया गया ये जूड़ी को पेपर बोर्ड के लिए, 28वां दिया गया नासी शर्मा को, 28वां दिया गया लीला जुगड़ी को, ठीक है। और ये एक और आपको बताना है 27वां किसको दिया गया, ठीक है, 27वां किसको दिया गया ये बताइएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पुरस्कार और सम्मान में, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो थी वहाँ पर। 2021 में जो 31वां मूर्ति पुरस्कार जो है किसे दिया गया, तो मूर्ति पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है, तो ये भी आपको बताना है, वैसे दिन को दिया गया, ठीक है। ओके यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, एबल पुरस्कार किसे दिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं प्लस डिटेल में, ठीक है। एक ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चंस कराए यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन करके छोड़ दिया, मैंने जैसे कि 2019 का पूछा है 2019 का बता दिया, 2019 का 18 का भी मैंने बता दिया, 17 का भी मैंने बता दिया, और फर्स्ट भी मैंने बता दिया, यानी कि 4 साल का हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, मैंने ऑलरेडी ये सारा पूरा करा दिया है। बस मैं इसमें आपको बस इतना ही बोलूँगा, ये वीडियो जरूर देखिएगा, इसकी PDF जो है किसी वीडियो की PDF या इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, और आपको जो है कमेंट कर देने हैं अपने नंबर, अपने मार्क्स जो हैं कितने बन रहे हैं फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में, या फिर आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पर अगर आपने जो है अपनी डाउनलोड कर ली आंसर कीज, उसमें लग रही है कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ऑनलाइन फी स्टडी का नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है वहाँ पर अपनी आंसर कीज डालिएगा या क्वेश्चन पूछेगा, तो फ्रेंड्स वहाँ पर आपको जवाब मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।